पेपर एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू पेपर दैट इज 2018। तो आप लोग सॉल्यूशन देखना और घर में एक बार खुद से ट्राई करना, तो आप लोग की प्रिपरेशन के लिए अच्छा है। तो आइए शुरू करते 2018 का पेपर। तो इन दिस क्वेश्चन द सम ऑफ थ्री वेक्टर इन द फिगर बिलो इज जीरो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी एंड ओ बी। तो लेट्स सी हाउ विल डू इट। सो इट इज गिवेन देयर आर सम ऑफ द थ्री वेक्टर्स इज इक्वल टू जीरो एंड यू हैव टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ सी एंड ओ बी। नाउ वी हैव टू राइट द नाउ विल राइट द पोजिशन वेक्टर्स। सो लेट्स सी दैट इज ओ बी। That OB is what? OB, I cap, okay? Now, OA, what is the position vector of OA? It will be minus 5, J cap. Why it is minus? Because ये down, ये y direction, y, minus y dash के तरफ accurate है, इसलिए minus 5 J cap, okay? ये तो आप सब ये सब आपको पता होना चाहिए वेक्टर्स जब पढ़ा था। अभी देखिए जो ओ सी होगा वो क्या होगा, ओ सी में दो रिजॉल्व हो के आएगा, क्योंकि ड्यू टू रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वी नो दैट इट विल बी ओ सी कॉस साइंस 45 एंड ओ सी कॉस 45। नाउ लेट्स सी ओ सी कॉस 45 दैट विल माइनस ओ सी कॉस 45 I cap, right? And plus OC sin 45 J cap. Okay. Now we can write minus OC root 2 I cap plus OC 1 by root 2 J cap. Okay. Now it is given the question the sum of these three vectors is equal to 0. तो यहाँ पे जो सम ऑफ थ्री वेक्टर इक्वल टू जीरो बोल रहा है, ये बेसिकली जो रिजल्टेंट होगा उसी को ही जीरो बोल रहा है। तो देखिए द रिजल्टेंट इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी कैन राइट इज एट ओ बी आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस ओ सी रूट 2 आई कैप एंड प्लस ओ सी रूट टू जे कैप इक्वल जीरो। दैट्स राइट। नाउ लेट्स सी ओ बी माइनस ओ सी रूट टू आई कैप, ओके ठीक है, प्लस व्हाट यू कैन राइट एल्स माइनस 5 जे कैप प्लस ओ सी रूट टू जे कैप, ओके। नाउ सिंस द होल रिजल्टेंट इज जीरो, देट विल बी आई इज इक्वल ऑल्सो बी जीरो इक्वल टू जीरो, आई वेक्टर एंड जे विल इक्वल बी ऑल्सो जीरो। सो ओ बी माइनस ओ सी रूट टू इट विल बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो, दैट इज ओ बी इक्वल टू ओ सी रूट टू is equation 1. Now unit vector j cap also will also be 0, then minus 5 plus OC root 2 equal to 0, then OC equal 5 root 2, ठीक है। अभी जो OB आएगा वो क्या आएगा, not repeat OB, OB equal OC by root 2, that form 1, लिख देता हूँ फॉर्म 1 ओ बी इक्वल ओ सी रूट ओ बी इक्वल ओ सी रूट टू, ठीक है। जो ओ सी हो वो क्या होगा 5 रूट टू, वी हैव गेट इट। तो ओ बी आ जाएगा 5 रूट टू, रूट टू कैंसिल, तो डेट वॉट विल बी द ओ बी, डेट विल बी इक्वल टू 5, टू ऑप्शन। देन क्या क्या आया मैं लिख देता हूँ, ओ बी 5 आया
एंड ओ सी इक्वल 5√2 meter डेट देन द ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, समझ में आया। दिस इज बेसिकली ए क्वेश्चन फ्रॉम वेक्टर रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। इट इज़ अ इजी क्वेश्चन, सो आई होप विल गेट हाउ आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ दिस क्वेश्चन हैज टुक प्लेस। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लॉक क्यूब इज पुल ऑन स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सर्फेस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इफ ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द कॉन्टेक्ट फोर्स बाय द सर्फेस, टी द पुल ऑफ द स्ट्रिंग अलोंग इट एंड एम द मास ऑफ द ब्लॉक, देन वी हैव टू फाइंड द कंडीशन दैट सेटिस्फाइज दिस ऑप्शन। सो लेट्स सी हाउ वी विल डू इट। तो दिस तो क्या बोल रहा है कि द ब्लॉक क्यू इज पुल ऑन ए स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सरफेस मेकिंग एन एंगल थीटा। इसको पुल किया, इस थीटा के एंगल को मेक किया हॉरिजॉन्टल के साथ, थीटा एंगल बना रहा है पुल करने के लिए। अभी देखिए यहाँ पे दिया है जो एक्सेलरेशन है, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स है जो एन होगा, दैट इज नॉर्मल फोर्स एंड टी, ये टी है, ये पुल ऑफ द स्ट्रिंग है। तो अभी देखिए हम लोग क्या करेंगे। अभी देखिए अकॉर्डिंग टू द फ्री बॉडी डायग्राम, वी ऑल नो हाउ टू डू द फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे क्या होगा एम जी, ठीक है, ऊपर क्या लाएगा नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे जब हम लोग इस टी को हम लोग रिजोल्व करेंगे, दिस इज ड्यू टू रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, तो क्या होगा ये टी साइन थीटा, राइट, एंड हियर विल वन कम फोर्स दैट इज टी कॉस थीटा। नाउ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ए, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, टी इज इक्वल टू एम ए कॉस थीटा, राइट, इट विल बी द इक्वेशन वन। ओके, नाउ अभी जो वर्टिकल है, वर्टिकली क्या फोर्स होगा एन नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, टी साइन थीटा एक्ट कर रहा है और नीचे एम जी एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा डेट इज टी साइन थीटा प्लस एन, दैट वुड बी इक्वल टू एम जी, राइट। फ्रॉम हियर वी विल गेट एन इक्वल एम जी माइनस टी साइन थीटा, ओके, एम जी माइनस फॉर्म वन, यहाँ पे वी गेट टी एम ए कॉस थीटा। अगर टी को यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या आएगा एम ए टेन थीटा फ्रॉम वन, में लिख देता हूँ यहाँ पे कि हमने फ्रॉम इक्वेशन वन वी हैव गेट इट। ओके, तो अभी देखिए अगर m को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा g माइनस ए टेन थीटा, तो n का वैल्यू क्या है m g माइनस ए टेन थीटा, तो किसी भी ऑप्शन में n का वैल्यू ये नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे मास का देखेंगे, m इज इक्वल टू n g माइनस ए टेन थीटा, ठीक है, तो ऑप्शन c सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो समझ में आया कैसे किया, आई विल अगेन एक्सप्लेन इट। तो सी हियर पे जो बोला था थीटा एंगल से इसको पुल किया है, यहाँ पे टी जिससे पुल किया स्ट्रिंग का टेंशन है, एक यहाँ पे कॉन्टेक्ट फोर्स एन एक्ट कर रहा है और एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहा है। जब वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम वी विल गेट द वन फे ऑफ फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड, दैट इज एम जी वेट ऑफ द ब्लॉक, एंड वन विल बी अपवर्ड दैट इज नॉर्मल फोर्स, अनदर विल बी एक्ट अनदर फोर्सेस आर व्हाट, दिस इज ड्यू टू द स्ट्रिंग दैट इज टी कॉस थीटा इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड टी साइन थीटा ड्यू टू द इन द वर्टिकल डायरेक्शन, एंड वी हैव गॉट दिस by the resolution of the force। Okay, I hope
यू नो व्हाट आर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. afterwards we have just put the equations, the cos theta will be equal to mass into acceleration, that is force ma, t equal ma cos theta, then t sin theta plus n equal mg. We have got the value of n, but in option there is no such value of n, where n is given as n equal mg minus a tan theta. Then we have find the m, that which we got m equal n g minus a tan theta, which satisfy the equation c. So option c is the correct answer. So moving to the next question. In the figure, that net torque acting on the dipole is, तो यहाँ पे दो dipole दिया हुआ है, डाय जो figure है वहाँ पे दिया हुआ है dipole. तो हम लोग को इसका नॉर्थ टर्क निकालना है, तो देखिए कैसे करेंगे. So in this question we have to find out the net torque acting on the dipole. तो net torque क्या होगा, dipole into electric field, क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. अभी जो डायपोल होगा वो क्या होगा, सर्ज इनटू लेंथ, तो क्या होगा, सर्ज कांस्टेंट होगा, दोनों में सेम है तो क्यू बाहर आएगा. और जो डिस्टेंस होगा ये दोनों, ये होगा ए बी एक प्लस क्यू, प्लस की वजह से जो डिस्टेंस आएगा वो होगा ओ बी, और माइनस क्यू का डिस्टेंस होगा ओ ए. दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो ओ सॉरी ए बी डिस्टेंस आएगा, तो टोटल डिस्टेंस हो गया ए बी इंटू ई माइनस डेट. निगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि ये एक्ट कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन पे. जो रोड नेट टॉर्क हुआ वो क्या आया, माइनस क्यू ए बी क्रॉस ई, ठीक है. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, ये इजी था, सबको समझ में आ गया कैसे किया. से हम लोग को ट्रॉक निकालने, ट्रॉक का फॉर्मूला सबको याद ही है. से हम लोग को डायरेक्शन लिखने वाली कुछ नहीं, इजी है. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं अगला क्वेश्चन के. ए रेजिस्टर डेवलप 800 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी इज 20 सेकेंड व्हेन ए करेंट ऑफ 4 एम्पेयर इज पासेस थ्रू इट. इफ द करेंट इज इंक्रीज टू 8 एम्पेयर द एनर्जी डेवलप इन 20 सेकेंड इज. तो वी हैव टू फाइंड द energy how much developed in 20 seconds. So let's see how we'll do it. So dekhiye yahan pe kya bol raha hai, de raha hai ki a resistor heat develop kar raha hai thermal energy ka in 20 second, matlab heat is equal to 800 joule hoga kab, jab 4 ampere ka current pass hoga 20 second mein, that is we know हम सब ए सिक्वल आई स्क्वेयर आर टी. तभी मुझे क्या पता नहीं है, आर पता नहीं है तो आर निकाल लेंगे. ए आई कितना दिया हुआ है, आई इस 4 एम्पीयर पास हो रहा है. अभी देखिए 4 स्क्वेयर आर, टाइम कितना है 20 सेकेंड दे रहा है. तो यहाँ से आर का वैल्यू आ गया आपका 2.5, ठीक है. अभी बोल रहा है कि इस करंट को फोर्स से 8 एम्पीयर कर दिया तो कितना हीट जनरेट होगा, इजी है आर स्क्वायर आर टी. हमको रेजिस्टेंस पता हो गया, रेजिस्टेंस ही अननोन था, हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया. आई टू दिया हुआ है, अभी 8 हो गया, इंक्रीज कर दिया 2.5, टाइम कितना होगा 20 होगा. सेम ही टाइम लगेगा ना कि वो हीट भी जनरेट करने की वजह से, लेकिन आई ही चेंज कर दिया सब बेसिकली, बाकी तो सब सही है. 16 × 2.5 × 20 दैट इज इक्वल टू 3200 जूल. तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. आई होप ये आपको समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था ये, आप खुद से एक बार ट्राई करना, इजी है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. ए बीम ऑफ प्रोटॉन विद वेलोसिटी 600 किलोमीटर एंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.2 टेस्ला. द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड. द रेडियस ऑफ द हेलिकल पार्ट विल बी. टू हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पार्ट. सो लेट्स सी हाउ विल डू इट. क्या बोल रहा है
कि ये पार्टिकल बीम है जो वेलोसिटी 600 किलोमीटर पर सेकेंड से एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। जो मैग्नेट जो वेलोसिटी है वो 30 डिग्री मेक कर रहा है विथ मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वैल्यू दिया हुआ है 0.2 T। ओके दैट इज टेस्ला। नाउ सी जो वेलोसिटी होगा इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा 600 cos 30, ये पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के साथ, एक होगा परपेंडिकुलर दैट विल बी इक्वल टू 600 sin 30। ओके नाउ इस जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है इसकी वजह से ये जो हेलिकल पार्ट होगा इट विल बी ऑफ हेलिकल पार्ट एंड दिस कंपोनेंट इज एक्टिंग ऑन दिस हेलिकल पार्ट। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो एक्ट कर रहा है इस वेलोसिटी में, इस हेलिकल पार्ट में। सो द वेलोसिटी व्हिच विल हेल्प इन फॉर्मिंग दी हेलिकल पार्ट इट इज वेलोसिटी ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज 600 sin 30। दिट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ओके नाउ वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। सो व्हाट विल बी द रेडियस? आर इज इक्वल टू MBQB। ओके यर वी विल बी द परपेंडिकुलर वेलोसिटी। आई हैव सेड अर्लियर व्हाई इट विल बी परपेंडिकुलर। अभी देखिए जो m है, m क्या होता है? फोटोन का m क्या होता है? 1.6 × 10⁻²⁷। ये आप सबको याद रहना चाहिए। प्रोटॉन का मास होता है 1.6 × 10⁻²⁷। परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितना है? 3 × 10⁵। चार्ज कितना दिया होगा? फोटोन है तो कितना चार्ज होगा? 1.6 × 10⁻¹⁹। बी कितना दिया हुआ है? 0.2 T। The B is 0.2, okay। When we will calculate, अब जब calculation करेंगे तो last में जो answer आएगा radius का वैल्यू आएगा 1.56 × 10⁻²⁷ मीटर, डेट इज 1.56 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, कैसे किया समझ में आया? ये यहाँ पे बोला था कि एक फोटोन है जो एंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, जो 30 डिग्री बना रहा है किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आएगा, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है दैट विल हेल्प इन द फॉर्मिंग द हेलिकल पार्ट। सो वी हैव टू फाइंड आउट द रेडियस। रेडियस इज इक्वल टू आर इक्वल MBQB। हियर वेलोसिटी विल बी द वेलोसिटी परपेंडिकुलर, सो वेलोसिटी परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद हम वैल्यू से पुट किया तो आंसर कितना आया? 1.56 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन ए है दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके ऑप्शन ए इज द करेक्ट। तो ये बेसिकली आपका मैग्नेटिक फील्ड का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आएगा, रेडियस निकालने के लिए बोलेगा। और इस यहाँ पे और एक चीज़ बोल सकता है पेपर में, और एक देख सकता है पिच निकालने के लिए बोलेगा। व्हाट विल बी द पिच ऑफ द हेलिकल पार्ट? पिच क्या होता है मैं बोल देता हूँ एक्स्ट्रा आपको। जो पिच होगा वो होगा 2πm/qb। भाई कुछ नहीं है, ये आपको याद रखना है। 2πm/qb इज़ द फॉर्मूला ऑफ पिच। कभी भी आपको पिच निकालने के लिए बोल सकता है और कभी रेडियस निकालने के लिए बोल सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया कैसे किया। तब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए ट्रांसफॉर्मर इज एफिशिएंसी 80%। इट वर्क्स एट 5 kW एंड 150 volt। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 240 volt, दैट असेस द सेकेंडरी करंट इज। तो वी हैव टू फाइंड द सेकेंडरी करंट। तो लेट्स सी हाउ विल डू इट। तो इस क्वेश्चन में क्या
क्या दिया हुआ है, जो एफिशिएंसी बोला है क्या है, एफिशिएंसी दिया हुआ है 80%। ये ट्रांसफार्मर है जिसका एफिशिएंसी दिया हुआ है दैट इज 80%। ओके, इसका जो वर्क डन होगा ट्रांसफार्मर का वो होगा 5 किलोवाट। मतलब जो वर्क डन है वो बेसिकली पावर होता है ट्रांसफार्मर में वो होता है 5 किलोवाट। इसको हम प्राइमरी मान लेते हैं PIQS, और जो जो EMF दिया हुआ है इसको हम मानते हैं EP, मतलब प्राइमरी वोल्टेज दैट इज़ 150 वोल्ट। हम सबको पता है ट्रांसफार्मर में क्या होता है, दो कॉइल होता है N1 N2, और ट्रांसफार्मर वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से। तो एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी होगा, एक सेकेंडरी होगा, ये आ गया। अभी जो सेकेंडरी EMF है वो कितना दिया हुआ है, 240 वोल्ट। तो हम लोग को पूछा है सेकेंडरी करंट कितना होगा। ओके, अभी देखिए यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, जो P प्राइमरी होगा वो कित क्या होगा, I प्राइमरी इंटू वोल्टेज दैट इज प्राइमरी वोल्टेज। P प्राइमरी कितना है, 5 किलोवाट दैट इज 5000 वाट। I1 दैट इज 150 प्राइमरी वोल्टेज। सो प्राइमरी करंट विल बी व्हाट, 5000 डिवाइडेड बाय 150। ओके, इट विल बी इक्वेशन 1। अभी हम सब जानते हैं क्या, जो एफिशिएंसी होता है वो होता है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। ये जो दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी आता है, एक इनपुट के लिए आता है प्राइमरी और आउटपुट के लिए क्या आता है सेकेंडरी। तो देखिए आउटपुट बाय जो एफिशिएंसी होता है वो क्या होता है, प्राइमरी आउटपुट बाय प्राइमरी इनपुट। अभी प्राइमरी इनपुट हम लोग को पता है, यहाँ से निकाल सकते हैं करंट इनटू वोल्टेज, करंट कितना आया 5150 इनटू कितना है वोल्टेज 150 है, ठीक है। और जो पावर आउटपुट होगा वो क्या होगा, IS निकालने है, IS ही होगा, BS कितना है 240, ठीक है। जब हम कैलकुलेट करेंगे ये सारा, तो जो IS इंटू 240 बाई 5000, ओके ठीक है। अभी एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 80% दैट इज 0.8, ठीक है। IS इंटू 240 बाई 5000, जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे IS का अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू आएगा 16.6 एम्पेयर, ठीक है। जो ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया कैसे किया, एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोग को एफिशिएंसी दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का, हम सबको वी नो दैट इन ट्रांसफार्मर देयर आर टू कॉइल्स, वन इज प्राइमरी एंड इज सेकेंडरी। एंड प्राइमरी इज प्राइमरी काम करता है इनपुट के लिए देने के लिए, और एक आउटपुट के लिए क्या होता है सेकेंडरी। अभी ये दोनों अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्शन थियोरी, ये दोनों वो ट्रांसफार्मर वर्क करता है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से, ठीक है। अभी हमको प्राइमरी पावर पता है और प्राइमरी वोल्टेज पता है, तो वहाँ से हमने करंट निकाल लिया प्राइमरी करंट। अभी जो एफिशिएंसी वो होता है पावर आउटपुट और पावर इनपुट, सॉरी ये पावर इनपुट बोल पावर प्राइमरी। अभी देखिए यहाँ से हमने वैल्यू पुट किया, एफिशिएंसी 80% है, तो कितना होगा 80/100 दैट इज 0.8 IS इंटू 240 डिवाइडेड बाई 5000। जब तो सेकेंडरी करंट का वैल्यू कितना आया 16.6 एम्पेयर, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया ये क्वेश्चन, ऑल्टरनेटिव करंट से है ये क्वेश्चन, इजी है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इजी है। आप यहाँ पे आपको मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, इसमें आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी देयर विल बी ट्रांसफार्मर देयर विल बी टू कॉइल्स दैट वाज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड द प्राइमरी
and primary comes first for input and for output there is secondary curl. ये दो चीज आपको याद रखना है, बाकी ईजी है, एक बार ट्राई करना. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन द ड्राइवर ऑफ ए बस मूविंग एट एन स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर सो सॉ ए मैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 52 मीटर फ्रॉम द बस. द ड्राइवर स्टॉप द कार एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मैन यूजिंग ब्रेक. द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बस. तो बस स्टॉप होने के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड हुआ वो निकालने के लिए बोला है. तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है. ओके, ड्राइवर ऑफ ए बस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर. ये बस मान लीजिए आप लोग जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है. यहाँ पे एक आदमी है जैसे 52 मीटर के डिस्टेंस पे है. अभी जब ये बस आ रहा है बोर्ड क्वेश्चन में इट इज सेड दैट द ड्राइवर स्टॉप द कार एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द मैन यूजिंग ब्रेक. अब जब यहाँ से इस आदमी से फ्रॉम मैन बस 2 मीटर आगे रुक गया आदमी से, तो हम लोग को पूछा है जब एक कितना टाइम द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बस, मतलब कितना टाइम रिक्वायर्ड है बस को इस पॉइंट को स्टॉप करने में. तो लेट्स सी कैसे होगा. अभी देखिए बोला है बस 2 मीटर आगे स्टॉप हो गया. तो बस स्टॉप्स इक्वल 52 माइनस 2 दैट इज 50 मीटर, राइट. वाई 50 मीटर, बिकॉज बोला है बस 2 मीटर इस आदमी से आदमी के आगे रुक गया. तो पूरा डिस्टेंस जब बस मूव हो रहा था 52 मीटर था आदमी और बस का डिफरेंस, और जब यहाँ पे पहुँचा तो 2 मीटर आगे स्टॉप किया तो 52 माइनस 2 50 मीटर, राइट. सो यू हैव गॉट द डिस्टेंस दैट इज 50 मीटर. नाउ इनिशियल वेलोसिटी इट इज गिवेन 60 किलोमीटर पर आवर. वी हैव टू कन्वर्ट इट इन टू मीटर पर सेकेंड सिंस इट ऑल द एंसर्स आर इन सेकेंड. 60 इंटू 5 बाई 18 दैट इज 550 बाई 3 मीटर पर सेकेंड, राइट. ओके, नाउ व्हेन द बस स्टॉप्स हियर क्या होगा. वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी होगा बस का वो जीरो हो जाएगा. देन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमको बी माना जो जीरो होगा. अभी देखिए हमको अभी सब पता है यहाँ पे. We can find out the time, but we don't know one thing, that acceleration. यहाँ पे acceleration नहीं होगा, यहाँ पे retardation होगा. जब बस यहाँ पे पहुँचेगा तब retardation होगा. क्यों, यहाँ पे stop हो गया इसकी वजह से acceleration retard हो गया. I hope you all understand this. Retardation मतलब क्या होता है. तो अभी देखिए हम निकालेंगे वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2ax. वी इज इक्वल टू जीरो सिंस बस रुक गया है. यू कितना होगा 50 बाई 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 50, राइट. तो कितना होगा, जो ए आएगा कैलकुलेट करने से वो होगा माइनस 25 बाई 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. एक्सेलेशन मिल गया हमको. अभी जो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ काइनेमेटिक्स बेसिक फॉर्मूला वी इक्वल यू प्लस 80 वी डेट इज़ जीरो. यू कितना है 50, ए कितना है माइनस 25 बाई 9 एन टी एस टी. दो वी फाइन 50 इक्वल 25 बाई 90 दैट टी विल बी इक्वल टू व्हाट 6 सेकेंड, राइट. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. आई विल अगेन एक्सप्लेन इट. लेट्स सी. फिर जो बोला था क्वेश्चन में बोला था कि एक बस से जो मूव करे 60 किलोमीटर पर आवर से, एक आदमी है बस से 52 मीटर दूर पर, लेकिन इस आदमी से 2 मीटर
पहले ही बस रुक गया, दैट इज़ 50 मीटर। फिर हम लोग को कितना टाइम लगा बस को यहाँ तक स्टॉप होने में पूछा है, तो देखिए हमने क्या किया, बस कितना हुआ एस डिस्टेंस मिल गया हमको 50, इनिशियल वेलोसिटी दिया है 60 किलोमीटर, फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0 होगा क्योंकि बस वहाँ पर रुक गया। अब जब भी हमने ये निकाल लिया एस -25/9 मीटर/सेकेंड, इट इज़ -25/9, तो ये क्या सिंबल कर, रिट्रेडेशन हो रहा है, एक्सेलेरेशन नहीं हो रहा है, और इस यहाँ से हमको पता है यहाँ पे एक्सेलेरेशन नहीं होगा क्योंकि बस रुक गया तो यहाँ पे रिटर्ड होगा। देन यूजिंग द फॉर्मूला v=u+at, ये कैलकुलेट दैट t = 6 सेकेंड एंड इट सेटिस्फाइड द इक्वेशन सी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इक्वल मासेस आर अटैच्ड टू टू इज ऑफ ए स्प्रिंग और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, द मासेस आर पुल आउट सिमेट्रिकली टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाय अ लेंथ एक्स ओवर इज नेचुरल लेंथ, द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन इज मास। तो हम लोग को कितना वर्क डन होगा स्प्रिंग, मतलब कितना वर्क डन स्प्रिंग करेगा इस मास पर, तो वो निकालनी है, तो देखिए कैसे करेंगे। सो इन दिस क्वेश्चन ये क्या बोल रहे हैं कि दो मास है ये, तो इक्वल मास मतलब एम अटैच हुआ है स्प्रिंग से एम, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, अभी क्या बोला है, अभी इस मास दोनों मास को इस स्ट्रेस मतलब सिमेट्रिकली स्ट्रेस किया एक्स डिस्टेंस, तो जब सिमेट्रिकली स्ट्रेस होगा तो ये मास भी एक्स बाई टू होगा और ये मास भी एक्स बाई टू स्ट्रेस होगा, तो फाइनल डायग्राम कैसा होगा, ये एक्स बाई टू स्ट्रेस हुआ और ये मास भी एक्स बाई टू स्ट्रेस होगा, जब स्ट्रेसिंग हुआ तो एनर्जी कितना होगा, कितना एनर्जी मतलब स्ट्रो होगा, इस मास की वजह से हाफ के एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स बाई टू स्क्वायर प्लस इस मास की वजह से हाफ ऑफ के एक्स बाई टू स्क्वायर दैट इज हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर फोर दैट इज सिमेट टू हाफ ऑफ के एक्स, देन इट इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाय फोर दैट इज 1/4 के एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो एनर्जी स्ट्रो कितना हुआ 1/4 के एक्स स्क्वायर, अगर एनर्जी स्ट्रो इतना हुआ दैट इज देन द वर्क डन इज व्हाट, द एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग, तो वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन भी होगा 1/4 के एक्स स्क्वायर, आया समझ में, वर्क डन इज इक्वल टू, सो यहाँ पे नेगेटिव आएगा वर्क डन, ये क्यों आया, ये हम सबको पता है द वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सेंस इन पोटेंशियल एनर्जी सॉरी, तो एनर्जी स्टोर्ड हम लोग को मिला 1/4 के एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन इज इक्वल टू -1/4 के एक्स स्क्वायर, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, आया समझ में, फिर से बता देता हूँ, दो मास अटैच्ड है एक स्प्रिन से, अभी बोला है इसको सिमेट्रिकली स्ट्रेस किया एक्स डिस्टेंस, तो एक मास यहाँ पे एक्स बाई टू डिस्टेंस आएगा, तो ये मास भी एक्स बाई टू डिस्टेंस स्ट्रेस होगा, तो एनर्जी स्टोर क्या होगा, एक होगा इस मास की वजह से दैट इज हाफ के एक्स एक्स बाई टू स्क्वायर, एक होगा इस मास की वजह से दैट इज हाफ ऑफ के एक्स बाई टू स्क्वायर, व्हेन यू कैलकुलेट विल गेट 1/4 के एक्स स्क्वायर, सो द वर्क डन विल बी सेंस इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल निगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू वन वर्क डन इक्वल -1/4 के एक्स स्क्वायर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which of the graphs shown in the figure correctly represent the variation of beta equal minus dv by dt divided by 1 by v with p for an ideal gas at constant temperature? तो एक रिलेशन दिया हुआ है बीटा और प्रेशर के बीच में हम लोग को ग्राफ निकालना है आइडियल गैस कंडीशन में जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक रिलेशन दिया हुआ है बीटा का जो है माइनस डी वी बाई डी पी डिवाइडेड बाई वी विथ पी मतलब प्रेशर के साथ, भी यहाँ पे वॉल्यूम है और पी प्रेशर है, ठीक है। और ये आइडल गैस में हो रहा है और जहाँ पे टी कांस्टेंट है। तो अभी हम लोग को यहाँ पे कौन सा ग्राफ करेक्ट है वो निकालने के लिए बोला है। तो अभी हम लोग को एक रिलेशन लाना पड़ेगा बीटा और प्रेशर के बीच में। तो हम लोग गैस जो रियल गैस जो आइडल गैस इक्वेशन है उसको इक्वेशन का यूज़ करेंगे। यूजिंग आइडल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी वी इक्वल एन आर टी, ठीक है। सिंस टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, आर टू कांस्टेंट है ही, एन तो ये पूरा टर्म क्या होगा कांस्टेंट, तो पी वी इक्वल कांस्टेंट मान सकते हैं हम। एंड व्हेन विल डिफरेंशिएट इट, ये क्या होगा पी डी पी प्लस वी डी पी इक्वल जीरो, दैट इज पी डी पी इक्वल माइनस वी डी पी, करेक्ट। तो क्या होगा डी वी बाई डी पी इक्वल माइनस वी बाई पी, ठीक है ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं माइनस डी वी बाई डी पी डिवाइडेड बाई वी इक्वल वन बाई पी, ठीक है ठीक है, वन बाई पी। तो क्या होगा ये पूरा इक्वेशन, तो दिस इक्वेशन क्या किसके बराबर है, बीटा के बराबर, माइनस डी वी बाई डी पी डिवाइडेड बाई वी। तो यहाँ पे भी वही है माइनस डी बाई डी पी के, दैट इज बीटा किसके बराबर है वन बाई पी, ठीक है। तो अगर बीटा वन बाई पी के इक्वल है तो क्या होगा, व्हेन पी विल अप्रोच टू जीरो बीटा विल अप्रोच टू इन्फिनिटी, वाइस वर्सा क्या होगा जब बीटा जीरो को टेन करेगा तो पी विल टेन टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। तो कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा, जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा बीटा पी, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। समझ में आया कैसे क्या, यहाँ पे बीटा का रिलेशन दिया हुआ था, ये प्रेशर पी प्रेशर है और भी वॉल्यूम है, और यहाँ पे बोला है कि टी कांस्टेंट है। तो हमने आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ किया क्योंकि हमें रिलेशन चाहिए था बीटा और प्रेशर के बीच में, सिंस ग्राफ उसी में दिया हुआ है। तो पी वी का एन आर टी, सिंस टी इज कांस्टेंट आर इज ऑल्सो आर कांस्टेंट है, तो ये पूरा टर्म ही कांस्टेंट हो गया, तो पी वी इक्वल कांस्टेंट। तो उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया जो आया पी डी पी इक्वल माइनस वी डी पी, तो डी वी डी पी इक्वल माइनस वी पी। तो जब कैलकुलेट किया ये जो टर्म है, ये जो टर्म है डेट इज इक्वल टू बीटा, सो बीटा इज इक्वल टू वन बाई पी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब पी जीरो टू जीरो जीरो तक टेन करेगा तो बीटा कहाँ तक टेन करेगा, इट विल टेन टू इन्फिनिटी, एंड वाइस वर्सा व्हेन बीटा विल टेन टू जीरो पी विल डेफिनेटली टेन टू इन्फिनिटी। सो इट विल बी अ ग्राफ ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, सो द ऑप्शन ए मैचेस द ग्राफ, सो इट इज अ करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, सो विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थैंक यू। तो आज यहाँ तक ही हम लोग करेंगे, बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और प्रैक्टिस करते रहना, और मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एवरीवन।